इसरत सदा खुआरी, हर इसरत सदा खुआरी, हर इसरत सदा खुआरी, हर इसरत सदा खुआरी। Oh.
सुरत सदा पुवारी, हर सुरत सदा पुवारी, हर सुरत सदा संगत जी। जो शब्द असी गायन किया है इसका सिरलेख है टोली महला पंजवा। गुरु ग्रंथ साहब में 711 भाव 711 अंक शब्द सुशोभित है। टोली महला पंजवा मतलब टोली राग विच गुरु अर्जन पातशाह वालों यह शब्द उच्चारण किया गया। ऐसे शब्द जिन्हां विच कुछ ताड़ना कीती होंदी है, सानू टुंब के जगाया होंदा है, सानू वार्निंग्स दित्तियां होंदियां, सानू अलर्ट कीता होंदा है, ज़्यादातर सानू ऐसे शब्द मैला नौवां च देखन नू मिलदे हैं। इस करके साडे सिखां विच एक बड़ा भारी भुलेखा असी पा लिया, साड़ी गलती दे कारण, साड़ी इग्नोरेंस दे कारण, कि महला नौवां दी बाणी उदासीन बाणी है, इसनों सिर्फ डैथ दे दिनां च गाईदा है या जदों कदे किसी का भोग पैना होवे या संगता अनजाने च मन की मत दे कारण जदों वरीणा मनांदियां ने तां महले नौवें दे शब्द गायन किए जाते। उसनों बड़ी वैरागमयी बड़ी उदासीन बाणी समझा जाता है। इस तरीके के शब्द होर गुरु पातशाह ने भी उचारे ने। गुरु नानक साहब भी जब सानू कहते हैं सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज करते हैं, पर किदे वास्ते? अपने मन वास्ते। जदों महला नौवां की मैं गल आप नाल सांझ कीती है तो असी महला नौवां के 57 श्लोकां नूं 15 दिन लगा के बहुत डिटेल विच डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे हर रोज़ 15 दिन 57 श्लोक विचारे तो पता लगा ये उदासीन बाणी नहीं है, यह मेरा जीवन उच्चिया करन वास्ते बाणी है, यह विरागमी सिर्फ डैथ वास्ते नहीं है, रादर मेरा राब जी नाल वननेस एक मिकता दी बाणी है। फिर असी एक शब्द एक पूरा पाठ रोज करते हैं राती सौण वेले सोयला दा, सोयला दी बाणी विच भी ऐसे शब्द आते हैं, देव सज्जन असीसणिया जो होवे साहिब से मेल, जां इस तरह पंक्तियां आदि ने संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, तो असी उसका मैना भी भुलेखे दे नाल डैथ दे नाल रिलेट करके समझते रहते। महला नौवां की बाणी तो इलावा असी सोयला की बाणी का भी वो पांच शब्द ने असी 6 दिन लगा के संगतां विच उसनू समझण का यतन किया। तो सोयला की बाणी के भी अर्थ ये निकले कि ये मैनू अज रब जी दे नाल मिलण की जाच सिखा, घर घर ये पहुँचा सदड़े नित पवन दे आम तौर पर मैंने समझे जाते हैं कि हर घर विच सुनिया जा रहा और हर घर विच किसी ना किसी की डैथ हो रही है, बंदा अपने नाल रिलेट ही नहीं कर पाता कि भी मेरी तो अज उन्हें डैथ नहीं हुई और अज साडे घर भी किसी की डैथ नहीं हुई, लेकिन घर घर ये पहुँचा सदड़े नित पवन, सदड़े पवन का मतलब है सतगुर की मत का कीमती सुनिया तैनूं रोज़ दिता जा रहा, तू लै लै अपना जीवन सवार लै। इहदा मतलब सोयला की बाणी भी डैथ बारे नहीं है। उदासीन बाणी नहीं है। सो सानू यह गलती कदे नहीं करनी चाहिए कि यह वाले पाठ और यह वाले शब्द पर्टिकुलर सैरेमनी वास्ते हैं और पर्टिकुलर सैरेमनी ते
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੋਨਸੈਪਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਕੋਨਸੈਪਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਯੂ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਸੈਂਟ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਕੂਲ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਤਵਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਹੀਅਰ ਫੋਰ ਦੈਟ ਪਰਪਜ਼ ਕਿ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰਪਜ਼। ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਆਣੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੜਮਸ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਰਡ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਆਣਾ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਆਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਧੜ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਰ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ, ਇਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ ਟੂ ਲਰਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਟੇਕਨ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ, ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੋਡੀਐਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਮੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ, ਤੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਰੀ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਕਢਾਉਣਾ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਭਰਮ ਔਰ ਭੇਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੀਲਾ ਪੱਥਰ ਪਾਓ, ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਪਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਨਿਚਰ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਬਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਐਨਕ ਲੈਣੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿੱਖਣੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਯੂਅਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਮਾਈ ਫਲੋਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਣਾ। ਅਵਰਨ ਹਸਤ, ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਣੇ, ਤਿੰਨਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੰਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਾਰ
गुरुद्वारे के प्रबंध की सोचना शुरू कर दें, क्योंकि मैनू तो बाकी सारी अकल है ही है, या मैं लोगों के नुक्स लब्बांगा, ज्ञानी जी, भाई साहब जी, ग्रंथी जी, सेवादार जी, प्रबंधकों के नुक्स लब्बांगा, क्यों? क्योंकि मैनू तो बाकी सारी नॉलेज तो है ही है, या फिर मैं लंगर च चला जाऊंगा, उत्थे मैं कुछ हुक्म चलाने शुरू करांगा। एक बंदा मैं कह रहा सी, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि जिदी घर पत्नी नहीं मनती, बच्चे नहीं मनते, वह गुरुद्वारे आके चौधरी बन जाता। चलो गुरुद्वारे नहीं तो सेवादार, सेवादार नहीं तो ग्रंथी, ग्रंथी नहीं तो प्रबंधक, प्रबंधक नहीं तो लंगर ही चले जाओ, लंगर के नुक्स कटने शुरू करो, दरी इतने रखो, भांडे उत्थे रखो, वो ऐन करो, नहीं तो दाले का कड़छा मैनू दो, कड़छा मैं किसी होर नू नहीं देना। सत्संग जी, ये सारे भरम भुलेखे हैं, ये रब नू विसारन दे सिम्टम्स हैं। हर विसरत सदा खुआरी, असी इस तरह खुआर हो रहे हैं। असी इस खुआरी दे सिम्टम्स नू समझ नहीं पा रहे हैं। साड़ी आपसी दूरी बढ़ रही है, अज दे शब्द इच गुरु पातशाह रहाओ दी पंक्ति, रहाओ सेंट्रल आइडिया ऑफ द शब्द होंदा है, उहदे विच भाव अर्थ होंदा है। गुरु पातशाह कहंदे ने, हर बिसरत सदा खुआरी, खुआर होंदे आ, अपसैट होंदे आ, डिस्टर्ब रहिंदे आ, वी रियून अवर लाइफ, कदों? वैन वी फॉरगेट गॉड। जदों असी रब जी नू विसारदे आ, रब नू विसारन दा मतलब की होंदा है? मैं गॉडली क्वालिटीज़ दे नाल नहीं जींदा, इहदा मतलब रब नू विसारना, मैं रब्बी गुणा दे मुताबक नहीं जींदा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थक्की जी, वह कदे ना बोले कौड़ा, रब जी कदे कौड़ा नहीं बोलते, कौड़ा बोलना जाने जानते ही नहीं ने कौड़ा बोलना, पर मैं कौड़ा बोलता हाँ, इहदा मतलब मैं मिठा बोलन वाले रब जी नू विसारिया। आई फॉरगॉट गॉड, हाउ गॉड बिहेव्स, एंड मेरा किस तरह कंट्रास्ट है, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देशा, तुहाडा ते सब कुछ ही सिस्टम मेरे नालों उलट है, मैं तुहाडे तो उलट वाला जीवन जी रहा, मैं तुहाडे वाली क्वालिटी नू जींदा नहीं हाँ। और जो इंसान रब नू विसारदा है, वो कौड़े बोल बोलता है, कौड़े बोल दा मतलब होंदा है रुस जाना, उच्चा बोलना, किसी की गल बर्दाश्त ना करना, गाला कढ़ना, दो दिया चार सुनाना, निंदा करना, निंदा सुनना, किसी नू माफ ना करना, किसी की गलती देख ली, सारी उम्र इस गलती नू पकड़ के रखना। एक बंदा कहंदा, मैं ते अपने सहुरियां नू मूँह नहीं लांदा, मैं क्या क्यों? कहंदा लावा वाले दिनां विच 40 साल पहला उन्होंने ये किया सी, इहदा मतलब ये हो गया कि पुरानियां पुरानियां गल्लां पकड़ के रखना, माफ नहीं किया, रब जी माफ कर देने। सत्संग जी, रब नू याद करन दा मतलब है रब्बी गुणा दे नाल जीना, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बाणी दा असूल है। जदों असी पढ़ते हाँ, तित सरवरड़ै पहले निवासा, पाणी पावक तिने किया, पंकज मोह पगनी चालै, हम देखा तै डूबेले, मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जे तू गॉडली क्वालिटीज नाल नहीं जींदा, मानो तू रब नू विसारिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। एक जगह गुरु पातशाह कहंदे ने, जिन्हां ना विसरे नाम
जिन्हां नूं रब विसरदा नहीं है, सिख किनेहे आ, वह कैसे होंदे ने? कहंदे ने भेद ना जाणो मूल, बिल्कुल भी डिफरेंस ना समझो, भेद ना जो जाणो मूल, साईं जिहे आ वह बिल्कुल रब वर्गे, भाव रब्बी गुणा वाला जीवन जींदे ने, गॉडली क्वालिटीज नूं जींदे ने। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी होए, वह जींदे ने। पर गुरु पातशाह अज कह रहे ने हर विसरत, द मूमेंट यू फोरगेट गॉड, यू ओमिट गॉड फ्रॉम यूअर केमिस्ट्री, यू ओमिट गॉड फ्रॉम यूअर डे टू डे लाइफ। तू गॉड नूं जदों एबसेंट करता है तां तेरी क्वालिटीज बैड क्वालिटीज बन जांदियां ने, जमा वालियां बन जांदियां ने, डीमंस वालियां बन जांदियां। तू टुरदा फिरदा लाश हो जाता है, तू डेड बॉडी हो जाता है, तू ग्रेवयार्ड हो जाता है। हर विसरत सदा कुआरी। हुन अगली पंक्ति कहते ने ताको धोखा कहाँ व्यापै, ओनू धोखा किवें लग सकता है जाको ओट तुहारी। एदा मतलब रब जी दी ओट लो ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਨੋ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਨੋ ਹੈ ਧੋਖਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। You can't be at peace. ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਡੁਬੋ ਦੇਣਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੇਵੀਅਰ। ਮਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਧੋਖਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੈਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਫੋਰਗੈਟ ਐਂਡ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਸੈਟ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਲਿਊਜ਼ਨ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲਿਊਜ਼ਨ। ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਔਰ ਡਿਲਿਊਜ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਮਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਨਟ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੇਤੀਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਓਏਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੇਸਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
लेकिन सानू परम है चीता नू पुत्तर आग लगाएगा धी नहीं लगा सकती। सानू परम है भाई साहब जी कोई शब्द सुनाओ कोई दसो मेरे घर पुत्र होवे पोतरा होवे। कदे कोई भाई साहब जी को किसे गुरुद्वारे शब्द नहीं पुछता केड़े शब्द नाल धी जमदी है। असी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हुई है जैसा मानिए होए ना तैसा। असी समझते पुत्र नाल वंश चलेगा मेरी जात चलेगी ए तेरा परम है। तू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की है धिया नाल नफरत पाई है इस करके साडे घर सुखी नहीं हैं और साडे घर विच औरत दी गुरमत नू मुख रख के इज्जत नहीं की जा रही। गुरमत नू मुख रख के औरत दी इज्जत करनी चाहिए सी। गुरमत नू इग्नोर किया गया है इस करके असी हिपोक्रेट हो गए और साडे घर विच मावां धियां भैणां दी उस तरीके नाल इज्जत नहीं की जाती जिस तरीके नाल करनी चाहिए। बच्चा चंगा निकले तो प्यो कहता सारा मेरा पुत्र है। बच्चा जरा जहा गलत निकले तो कहते तू वगाड़िया है यदी माँ ने सिर चाड़िया है। असी पता नहीं केड़ी केड़ी सेंटेंसेस यूज करते हैं। परम पुत्र विच वड्याई समझ ली वंश समझ लिया और पुत्र जम्मण वास्ते गुरुद्वारे दे चिलिए कट्टणे शुरू किए पाठ रखाए। कई प्रचारक ने तो खास खास शब्द देने भी शुरू कर दिते ने केड़ा शब्द पढ़ो ते पुत्र होएगा। परम हर बिसरत सदा खुआरी इतनी खुआरी हो गई कि पूता माता की असीस शब्द बर्थडे ब्रांड बना दिता और बर्थडे ब्रांड भी पुत्र दे बर्थडे ते। पूता दा मैना पुत्र मीन्स तिया नहीं कितना भुलेखा कितने पाखंडी असी कितने परम विच जी रहे हाँ। हर बिसरत सदा कुआरी ताको धोखा कहाँ व्यापै जा को ओट तुहारी। जो रब जी की ओट लै लैंदा वो इस धोखे विच नहीं रहिंदा वो इक्वैलिटी जींदा है जात पात नहीं मनदा वंश विच नहीं जींदा अपना वंश चलाण दे अपने नां नूं फेम करा के सदियां तक इस धरती ते जीवित रखण वाली भुलेखे च नहीं रहिंदा वो इस धोखे परम भुलेखे विच नहीं रहिंदा। ये शब्द दा राह है वो कंपीटीशन दी रेस विच नहीं रहिंदा वो ब्रांड नेम दे चक्करां विच नहीं रहिंदा वो कोई भुलेखियां विच नहीं रहिंदा। ता को धोखा कहां व्यापै जा को ओट तुहारी रहाओ। बिन सिमरन जो जीवन बलना उहदा जीवन इंज हो जांदा जिहड़ा रब नूं विसारदा है इस तरह सड़दा बलदा रहिंदा। सर्प जैसे अरजारी सर्प सप की उम्र बड़ी लंबी होती है और सप सारी उम्र अपने मत्थे जहर कट्ठा करी रखता है और गुस्से च ही रहिंदा है और डरपोक रहिंदा है हमेशा डरदा रहिंदा है। तुसीं देखोगे सप इस तरह कुंडली मार के अपना सिर अंदर रख के बाहर सारी बॉडी नूं रखदा है सिर नूं बचा के रखदा है अपने पॉइजनस पार्ट नूं अपनी पॉइजनस थॉट प्रोसेस नूं और डरदा है कि कोई मेरे सिर चों पॉइजन ना कट के लै जाए। असी अपने जो भैड़े ख्याल बचा के रखते हैं ना उस सब वांगू कुंडली मार के रखते हैं तो असी उस वेले इंसान नहीं रहते हाँ असी सप बन जाते हाँ। मरण तो बाद सप बनांगे कि नहीं बनांगे गुरबाणी मैनू कहती है तू हुणे सप वाला जीवन जी रहा है यह गुरमत का रीनकारनेशन सानू गुरमत समझाती है। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी नवखंडन को राज कमावे। नवखंडन को राज कमावे का कीमत होता है नौ खंड केड़े होंगे ने नौ खंड होंगे ने इंद्री ज्ञानिंद्री मेरे अख नक कन सारे मिला के नौ जड़े द्वारे ने इना दे सुख च ही मैं पिया रहिंदा हाँ। इसे शरीर नू पालन दे चक्कर च मैं रहिंदा नवखंडन को राज कमावै अंत चलै गो हारी। मैं जिंदगी च कोई कीमती काम करदा ही नहीं मेरा जीवन यूसलैस
अनफ्रूटफुल एक्सरसाइजेज च जाया जाता है। आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम सो सैल्फिश, आई एम माइजर, आई डोंट नो हाउ टू लिव फॉर अदरस, दूजे वास्ते किवें जीवित है मैनू पता ही नहीं। सारी गुरमत और सारा गुरुआ का इतिहास और पुरातन सिखा का इतिहास सानू दसदा है दूजे वास्ते किवें जीवित है, किस तरह अपने सुख आराम सैक्रीफाइस करीदा है। नागखंडन को राज कमावे अंत चले गुहारी, गुण निधान गुण तीन ही गाए जाकू कृपा तारी, जो सतगुर की मत नू लैंदे ने ओ सतगुर की मत नू लैणा कृपा धारण करना कहलांदा है। जिसने सतगुर की मत भाव कृपा लई ओ रब्बी गुणा दे नाल जींदा है। गुण निधान गुण तीन ही गाए, गुण गाना बाजे तबले नाल गाण नू नहीं कहते ने, गुण गाण का मतलब होंदा उहदी पूरी बॉडी, उहदा एक एक बॉडी का रोम रोम, उहदी बॉडी लैंग्वेज भी म्यूजिकल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्पिरिचुअल हो जाती है, आइडियल हो जाता है, वह कुरक्षित नहीं रहता, वह रूड नहीं रहता, वह एग्रेसिव नहीं रहता, वह नम्रता च आ जाता है। इनू हर गुण गाए कहते हैं कि वह रोम रोम बॉडी का एक एक अंग रब्बी गुणा के नाल जींदा है। गुण निधान गुण तीन ही गाए जाको कृपा तारी, सो सुखिया तानुस जन्मा, उहदा जीवन सफल है। सत्संग जी असी नवें जन्म किवें लै सकते हैं, असी एक सैमीनार किया माँ सैमीनार च असी समझिया कि जिस तरह माँ की क्वालिटीज़ ने, जे मैं उंज जीण लग पवां, जे मेरे घर वाला ईच मैंबर माँ की क्वालिटीज़ नाल जीण लग पवे तो फैमिली किस तरह चेंज होती है, किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है, किस तरह वार्मथ बनती है, किस तरह आपस में रिलेशनशिप बेटर हो जाती है। माँ सेल्फिश नहीं होती है, माँ सैक्रीफाइस जरूर करती है, माँ एहसान नहीं चढ़ाती है, माँ नम्रता च रहती है, माँ सब नू खवा के भी भुखी रहन नू तैयार है, माँ सब नू सवा के लास्ट विच सौंदी है और सब तो पहला सवेरे उठ जाती है, माँ किसी दिन लागा तागी नहीं करती है। तो असी उहदे विच समझिया सी कि अपने सारे नवे रिश्ते नवे पैदा किवें करो, अपने अंदर माँ पैदा करिए, अपने अंदर पिता पैदा करिए। कंटेंटमेंट दा संतोख पिता बाणी चो सीखते हैं, अपने अंदर सेवा करन वाले भैन भरा पैदा करिए, अपने अंदर पत्नी और किस तरह शर्म सुरत दोए ससुर पए हैं, किस तरह उद्दम नू अपने सस सोरा बनाइए, अपना एक परिवार बनाना सीखते हैं। इस तरह मैं अपना नवा जन्म कर सकदा, उन्हूं कहिंदे ने गुर कै शब्द बनावो ए मन। हुण तक मैं पुराना जी रहा सी, इग्नोरेंसी च जी रहा सी, सतगुर दी मत दा मैसेज लैके अपना नवा जन्म बनाना, अपने आप नू नवा कढ़ना, अपनी शख्सियत नू परसनैलिटी नू एनहांस करना और गुड क्वालिटीज़ दे नाल एलीवेट करना अपनी परसनैलिटी नू, ए नवा जन्म। सो सुखिया तानो जन्मा, नवा जन्म साडा इंज होंदा है, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। सतगुर की मत लेंदे हाँ तो असी सतगुर के घर जमदे हाँ। हुण तक मैं सिखी इन्नी लई होई सी कि मैं सिखां दे घर जम्मिया हाँ, लेकिन जो मैं सतगुर के घर जम्मांगा तो सतगुर की मत लवांगा और जिवें सतगुर कहेगा वो मेरा माई बाप, सतगुर जी मेरे माई बाप जदों बनते ने, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता पौके आ काड़ा जीओ, फिर मैं जब सतगुर नू माई बाप बनावांगा फिर मेरा फीयर चला जाएगा। ता मैं गुरु नू अपने कोल समझांगा। सत्संग जी इस काम नू असी सारी उम्र पोस्टपोन करते रहते हाँ। असी पढ़िया सी कबीर टाले टोल
टालदा रहा दिन गया था, मतलब होंगे सारी उम्र इस तरह मेरी जाया जाती रही, मैं पोस्टपोन ही करता रहा। कबीर टाले टोले दिन गया व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न का मतलब की होंगे मेरे अवगुण बढ़ते चले गए। जे मैं सतगुरु की मत लैंदा तो मैं मेरे अवगुणा के बारे पता लग जाना सी, और अवगुणा बारे पता लग जाता तो मैं अपनी हैबिट्स नू अपने एटीट्यूड नू फिक्सअप करना सी। मैं टालदा ही रहा, यह मेरे पढ़न दे दिन ने, यह मेरे स्कूल जाने दे दिन ने, यह बच्चे दे एग्जाम दे दिन ने, वो जी बच्चे ने फिर डांस क्लास भी जाना होंदा है, जी बच्चे का फिर प्रोजेक्ट भी है, जी बच्चा हुन कॉलेज जा रहा एडमिशन दे दिन ने, जी हुन इहदा जॉब लग गई है जॉब दे दिन ने, हुन विआह हो गया हुन इहनां दे आसन खेडन दे दिन ने, हुन बच्चे हो गए ने उहनां नूं संभालना। सारी उम्र साडा टाला टोला दिन मीनस जिंदगी जाया जाती रहती है। टाला टोला दिन गया व्याज बढ़न तो जाए, अवगुण बढ़ते जाते ने, ना हर भजे हो सच नहीं समझिया, ना खत फटे हो, मेरा खाता खत्म ही नहीं होया, खाता मैं डे बाई डे अपनी डेफिशेंसीज शॉर्टकमिंग्स के ना जींदा रहा, ना हर भजे हो ना खत फटे हो, काल पहुँचो आए। काल पहुँचो का मतलब फिजिकल डैथ नहीं कहते। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਵੇ ਔਰ ਹਾਈ ਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਟਾਲਾ ਟੋਲਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਚੱਲੇ ਗੁਹਾਰੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਤਾਨੂੰ ਜਨਮਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਟਾਲਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਕਿੰਝ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਥਰਡ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਏ ਨੇ। ਜਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ
असी अपना सब कुछ पोस्टपोन करते जा रहे हाँ। किसी भी गुरुद्वारे अंदर ये प्रायोरिटी नहीं चल रही प्रबंधकों समेत कि नवा शब्द सानू की सिखाता है, बाणी की सिखाती है। असी सारे एक दूजे नू फिक्सअप करन लगे हुए हैं। वी नैवर थिंक वट इज़ रिटन इन गुरबाणी। गुरबाणी तो सानू सब नू पता ही है। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। गुरु साहब कहते हैं मैं उस मनुख उस ख्याल तो उस गुरु तो उस सोचनी तो बलिहार जाता। बलिहार का मतलब होंगे अपना बल हारदा हाँ, सरेंडर करता हाँ, जिदे नाल रब याद आता है। बाणी का असी औरंगाबाद गए तो एक माता जी कहते हैं असी टीवी पर देखते सी तुहाडा प्रोग्राम। असी उस तो पहला वीकली या मंथली सुखमनी किट्टी रखी हुई सी। मैं पहला सुन के हैरान ही रह गया सुखमनी किट्टी केड़ी होंदी है। फिर उन्होंने दसिया साड़ी किट्टी पार्टी होंदी है बीबियां दी, उहदे च असी सुखमनी साहब कर दिया हाँ पूरा। मैं क्या अच्छा जी। फिर कहिंदे टीवी ते प्रोग्राम देखण तो बाद सानू शौक चढ़िया कि अगों तो ना असी 24 अष्टपदियां नहीं करिया करांगे, एक अष्टपदी करिया करांगे और उहनू विचारिया करांगे। सो वी स्टार्टिड विचार। पूरा सुखमनी साहब असी नहीं करते, एक अष्टपदी पढ़ के असी बीबियां उन्हों विचार दिया। फिर एक माता जी कहते विचारन तो बाद पता लगा करीबन करीबन गुरु ग्रंथ साहब 6000 शब्द ने। मैं क्या माता जी मैं गिने नहीं। कहते नहीं 6000 शब्द ने और हर शब्द ना ए लगता रिपीटिशन है। मैं माता जी ने कहा नहीं माता जी सानू रिपीटिशन लगता है, ये रिपीटिशन नहीं है। साडे जिंदगी विच डिफरेंट डिफरेंट लैवल्स ते असी जींदे रहिंदे हाँ, डिफरेंट एज ग्रुप वाले और सानू सारिआं दे नाल मिल वरत के जीना पैंदा है। इस करके साडे डेली मैनी काइंड्स ऑफ मूड्स, साडे मूड साडे सुभाव बदलते रहिंदे ने। कदे असी खुश होंदे हां, कदे उदास होंदे हां, कदे असी घर आ के सबनू कहिंदे हां आओ चलो बाहर पिज़्ज़ा खाण चलीए, और कदे इन्ने गुस्से होंदे हां कि अज मैं रोटी भी नहीं खानी तुसीं भी नहीं खा सकते। साडे बड़े मूड्स चेंज होंदे रहिंदे ने और एज वाइज चेंज होंदे रहिंदे ने, बिजनेस वाइज चेंज होंदे रहिंदे ने, जॉब वाइज चेंज होंदे रहिंदे ने। कोई बीमार कोई सुखी, कोई पोतरा हो गया कोई विआह हो गया कोई रिश्ता हो गया, इस कर सारे मूड चेंज होंदे रहिंदे ने। गुरु पातशाह ने सारे मूड्स नू फिक्सअप करन दे बेअंत शब्द लिखे ने। ये गल वक्री है कि मैं उन्हों खोजा, ये गल वक्री है कि मैं उन्हों विचारा, ये रिपीटिशन नहीं है सा संगत जी। ये सानू फिक्सअप करन दी धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। साडी चिंता दूर करती है, साडे फिकर दूर करती है, साडे डर दूर करती है, सानू माइटी माइटी खालसा बनाती है, साडी आत्मा बलवान करती है, साडियां डिजायर्स मंगण वाली अवस्था तो मुक्त अवस्था करा देती है। असी अपनियां सेल्फिशनेस दियां मंगा तो उठ जाते हैं। सो सुखिया तानुस जन्मा नानक तिस बलिहारी। इत्थे तक इसनू विचार के मैं आप जी नाल सांझ करांगा कि बाणी नू रल के पढ़िए एक बारी और कोशिश करिए कि मैं रोज़ अपने जीवन च एक नवा शब्द पढ़ के विचारना है। और विचारना इस करके नहीं है कि जाके मैं गुरुद्वारे होरां नू सुनाना है, विचारना इस करके है कि इस शब्द चो मैनू मेरा अवगुण की समझ आया, तो इस शब्द चो गुरु साहब का सोल्यूशन की देंदे ने, दैट हाउ शुड आई चेंज, हाउ शुड आई रिएक्ट फ्रॉम द नैक्सट मूवमेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द शब्द। जिस वेले मैं शब्द नू समझिया, समझण तो बाद अगले पल तो मेरा कैसा सुभाव होना चाहिए है, वो फिर सुखी हो जाते हैं। उन्होंने कहते हैं आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता। पाछे का मतलब पास्ट नहीं होता, पाछे का मतलब होता उस तो बाद। जदों सुख मिलना शुरू हो जाता है आत्मक तौर पर, उस तो बाद आनंद आना शुरू होता है। आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता, फिर असी आनंद माणन योग
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।